नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत 6 वांछित आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। एसपी बलिया ने 15 अक्टूबर को रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में हुई इस घटना के संबंध में फरार आरोपियों पर ये इनाम राशि घोषित की है। वहीं पुलिस की 10 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसने गोली नहीं चलाई, मामले की उचित जांच होनी चाहिए। अपने बयान में धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि 15 अक्टूबर को राशन की दुकानों का आवंटन होना था, इसी वजह से कई अधिकारी मौके पर आवंटन प्रक्रिया के लिए आए हुए थे। मैंने भी इसी मामले को लेकर एसडीएम और बीडीओ से मुलाकात की थी। धीरेन्द्र प्रताप ने आरोप लगाया है कि वे लोग आवंटन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। धीरेन्द्र प्रताप ने घटना के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उधर शनिवार को मृतक जय प्रकाश का कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार हो गया। पूरे दुर्जनपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं मामले में 10 पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। इनमें 3 सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि बलिया गोलीकांड के मामले में 2 नामजद समेत 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को शुक्रवार सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शाम को पुलिस ने दूसरे भाई नरेंद्र प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भी नामजद आरोपी हैं। अज्ञात के रूप में दर्ज 5 आरोपी हिरासत में हैं। इनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।